अब जिठानी सिखाए मुझे। नेहा की शादी अभी नई नई हुई थी, लेकिन नई शादी होने के बाद भी रोहित नेहा की एक नहीं सुनता था। ऐसी ही एक रात नेहा रोहित से कहती है, रोहित हमारी नई शादी हुई है, शादी के बाद सब लोग हनीमून के लिए जाते हैं, पर हम तो नहीं गए, कब जा रहे हैं हम? देखो नेहा, अभी तो हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है, शादी की वजह से काफी काम पेंडिंग में है। पर रोहित, नेहा रोहित से आगे कुछ बोलती उससे पहले रोहित वहाँ से चला जाता है। ये देख कर नेहा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। आखिर बोलती भी कैसे, बेचारे की अभी नई नई शादी जो हुई थी। अगली सुबह नेहा गुस्से में खाना बना रही थी, तभी उसकी जिठानी रागिनी उसके पास आती है और उसको गुस्से में देख उसके गुस्से का कारण पूछती है। नेहा क्या हुआ, इतने गुस्से में खाना क्यों बना रही हो? दीदी गुस्से में खाना ना बनाऊं तो और क्या करूं, शादी के बाद तो लड़कियों की लाइफ इन सब में ही उलझ कर रह जाती है। अरे पर हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे तुम्हारे और देवर जी के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो? दीदी अगर झगड़ा होता भी ना तो भी समझ में आता, लेकिन ये झगड़ा भी नहीं करते ना, चुप रहकर भी ये इतना सब बोल जाते कि क्या ही बताओ। अरे हमारी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन इन्हें बस अपना ऑफिस दिख रहा है। मैं समझती हूँ ऑफिस का प्रेशर होगा, लेकिन क्या वो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले जा सकते? तो ये बात है, देवर जी तुम्हें टाइम नहीं दे रहे। हाँ दीदी, मैं तो इनकी इस बात से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं इन्हें कुछ बोल भी नहीं सकती, आखिर पति जो ठहरे। दोनों देवरानी जिठानी आपस में बात कर रही थी, तभी वहाँ उनकी सास सुमित्रा आती है और दोनों देवरानी जिठानी को साथ में देखकर कहती है, अरे वाह, आज तो मेरी दोनों बहुएं यहाँ है, क्या बात है, घर के काम खत्म हो गए क्या? रागिनी बहू, लगता है तूने घर की काफी अच्छे से सफाई कर दी है, तभी तो इतनी फुर्सत से यहाँ खड़ी होकर बातें कर रही है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं बस जा ही रही थी, मैं तो ये देखने आई थी कि आज नेहा खाने में क्या बना रही है। अच्छा, तो तुझे खाने में इंटरेस्ट आ रहा है, एक काम करते हैं, तुम दोनों का काम बदल देते हैं। माँ जी, दीदी मुझसे बस बात ही तो कर रही है, आप उन पर गुस्सा क्यों कर रही है? बहू तू अब इस घर में नहीं आई है ना, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं। सुमित्रा अपनी बात बोलकर वहां से चली जाती है। अपनी सास को जाता देख अब रागिनी भी वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सभी घर वाले साथ में बैठे थे, तभी नेहा कहती है, माँ जी आज खाने में क्या बनाना है? देख ले बहू, जो सही लगे वो बना ले। माँ जी मैं क्या सोच रही थी कि बहुत दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए, क्यों ना आज पूरी फैमिली कहीं बाहर चले, इससे आज नेहा को भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और हम पूरी फैमिली कहीं बाहर भी घुमाएंगे। चुप करके घर का खाना खा लो तुम, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पैसे फालतू में आ रहे हैं क्या? पर माँ जी, चुप कर, हर समय अपनी चटोरी जुबान बाहर निकालती रहती है। सुमित्रा ये बात बोली रही थी तभी रागिनी का पति राज अपनी माँ को जवाब देता है, क्या माँ आप हर बात में रागिनी को चुप क्यों करवा देती हो? अरे अगर आज उसका बाहर खाने का मन है तो आप क्यों मना कर रही हो, चलते ना बाहर, इसमें ऐसे बोलने वाली क्या बात है। राज रागिनी को सपोर्ट करता है और सभी को बाहर जाने के लिए तैयार होने को कह देता है। सुमित्रा भी अब तैयार होने चली जाती है। वहीं नेहा अपनी जिठानी के पास जाती है। वाह दीदी, आपकी तो बहुत चलती है, आपके लिए जीठ जी ने माँ जी को भी जवाब दे दिया। और नहीं तो क्या, अरे अपने पति को अपने काबू में रखना पड़ता है, उनको जितनी छूट दोगे ना वो उतना ही सर पर चढ़कर तांडव करेंगे, इसलिए मैं तो अपने पति को कस कर रखती हूँ। पर दीदी जो भी है, आपकी माँ जी पर नहीं चल पाती। अरे वो तो माँ जी की उम्र बढ़ रही है ना, और तुम जानती हो बढ़ती उम्र के साथ इंसान बच्चा होता जाता है, इसलिए मैं उन्हें कुछ कहती नहीं। मैं तो तुम्हें भी यही कहूंगी कि तुम भी अपने पति को अपने काबू में रखना सीख लो, नहीं तो सास बाद में पहले वो तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचेगा। पर दीदी मैं ऐसा क्या करूँ जो उनको अपने काबू में रख सकूँ? कुछ नहीं, बस बात बात पर गुस्सा होने का नाटक करो, फिर देखो कैसे देवर जी तुम्हें मनाते हैं और तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। रागिनी की बात सुनकर नेहा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने हाथों में साड़ियां रख रोहित को दिखाती है। रोहित जी देखिए ना, इन दोनों साड़ी में से कौन सी साड़ी पहनूं? नेहा तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए तुम जो भी पहनोगी सब अच्छा ही लगेगा। ये क्या बात हुई, अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सोच कर कि आप मुझे अपनी पसंद बताएंगे, लेकिन आप है कि मेरी तरफ देखती भी नहीं, आपसे मुझे और कोई उम्मीद ही नहीं है। नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है और एक्सपेक्ट करती है कि रोहित उसको मनाने के लिए आएगा।
लेकिन रोहित तो उसको मनाने आता ही नहीं। नेहा का नकली गुस्सा अब रियलिटी में बदल जाता है और बाहर जाने के बाद भी वो रोहित से बात नहीं करती। कुछ देर बाद जब सभी लोग घर आते हैं तो नेहा अपनी जिठानी के पास जाती है। दीदी आपने कहा था बात बात पर गुस्सा होना, फिर रोहित मुझे खुद मनाएगा, लेकिन वो तो मुझे मनाने ही नहीं आए। अरे नेहा थोड़ा सब्र करो, कल सुबह भी बात मत करना, फिर देखना कैसे तुम्हारे पास आता है वो। रागिनी की बात सुनकर नेहा एक बार फिर उसकी बात मान लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। रोहित उससे बात करने की कोशिश करता है पर नेहा सो जाती है। अगली सुबह भी नेहा रोहित से बात नहीं करती और शाम को जब रोहित घर आता है तो वो नेहा के लिए एक बहुत प्यारी सी ड्रेस लेकर आता है। नेहा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाओ ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी लग रही है। तुम्हें पसंद आई ना? हाँ बहुत। बस इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें कौन सी ड्रेस पहननी है, क्योंकि मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। रोहित की बात सुनकर नेहा उसको गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा एक बार फिर रोहित से कहती है। रोहित अब तो हमारी शादी को टाइम भी हो गया है, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। नेहा मैं जानता हूँ तुम्हारा बाहर जाने का बहुत मन है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ ना, ऑफिस से मुझे ऑफ ही नहीं मिल रहा। मैं जब भी तुमसे बाहर जाने की बात करती हूँ तुम हमेशा मना कर देते हो, आखिर क्यों? मुझे बहुत बुरा लग रहा है सच में। रोहित उसकी बातों का एक बार फिर जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। नेहा फिर से अपनी जिठानी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। हे भगवान अब क्या करें। इससे पहले कि रागिनी आगे कुछ बोलती सुमित्रा उसकी बात को काटते हुए आती है। नेहा बहू तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तू कभी मेरे बेटे को अपने काबू में नहीं कर सकती। अरे तू एडवाइस भी किससे मांग रही है जिसका पति खुद उसकी नहीं सुनता। क्या दीदी भैया आपकी बात नहीं सुनते? नेहा की बात सुनकर रागिनी अपने नजरें झुका लेती है। हाँ नेहा वो मेरी नहीं सुनते, वो तो बस मेरा सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने उन्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं कहा और कभी कभी ही उन्हें कुछ कहती हूँ। देख लिया तूने अपनी जेठानी को। अरे जैसा तेरी जेठानी का हाल है ना वैसा ही तेरा भी रहेगा, इसलिए अपनी जिद छोड़ दे क्योंकि वो मेरा बेटा है। और हाँ तुझे एक बात और बता दूं कि वो मेरी वजह से तुझे कहीं लेकर नहीं जा रहा। अच्छा तो ये सब किया कराया आपका है? तो माँ जी मैं आपको बता दूं कि अब वो आपका बेटा नहीं बल्कि मेरा पति है। और हाँ मैं उन्हें अपने काबू में नहीं रखना चाहती, मैं बस उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं तू कुछ भी कर ले, जब तक मैं रोहित को परमिशन नहीं दूंगी वो तुझे कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ, मैं उनको अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगी, मतलब लेकर जाऊंगी, वो भी एक हफ्ते के लिए। पहले मैंने सोचा था एक या दो दिन में वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब नहीं, अब मैं इनके साथ पूरे हफ्ते के लिए बाहर जाऊंगी। और क्या हुआ अगर भैया दीदी के काबू में नहीं है, अरे कम से कम वो उनकी सुनते तो है। सुमित्रा कुछ बोलती उससे पहले नेहा वहां से चली जाती है और रात को जब रोहित आता है तो वो रोहित को बड़े ही प्यार से कहती है। रोहित आज मैंने दीदी से बात की, वो बहुत उदास थी। अच्छा पर क्यों, क्या हुआ भाभी को? अरे होगा क्या, भैया उन्हें टाइम ही नहीं दे रहे, उन्हें कुछ भी बात करनी होती है तो या तो वो सो जाते हैं या कहीं चले जाते हैं। ये तो बहुत गलत करते हैं भैया, ऐसे तो उनके रिलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। वही तो, क्यों ना हम उनके लिए कुछ प्लान करें। जैसे क्या? उन्हें कहीं बाहर भेज देते हैं, कुछ दिन बाहर रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अरे पन्ने आप माँ जाने नहीं देंगी। क्यों जाने नहीं देंगी, अरे हम भी चल लेंगे उनके साथ, इसी बहाने हम भी साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। रोहित को नेहा का आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो वैसा ही करता है जैसा नेहा कहती है। कुछ देर बाद रोहित सबको बुलाता है और सभी से कहता है। माँ भैया और भाभी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन मुझसे बिना पूछे? हाँ माँ मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीच बीच में ना गैप लेते रहना चाहिए। नहीं वो दोनों अकेले कहीं नहीं जाएंगे। माँ किसने कहा कि वो दोनों अकेले जा रहे हैं? अरे मैं और नेहा भी तो जा रहे हैं उनके साथ। नहीं इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। माँ देखिए अब हम बच्चे नहीं है, हम बड़े हो चुके हैं, हमें बाहर जाने दीजिए, अगर आपको चलना है तो आप भी चल सकती हैं। रोहित की ऐसी बात सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है और अपनी छोटी बहू की तरफ देखती रहती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सब उसका ही किया कराया है। पर सुमित्रा कुछ नहीं कह पाती और इस तरह वो चारों एक हफ्ते के लिए घर से बाहर घूमने के लिए चले ही जाते हैं।
कहते हैं कि आपके घर पर कौन किस नीयत से आता है ये तो पता नहीं चलता, लेकिन गलत सलाह से आपके घर क्या हो सकता है देखिए। बहू, मुझे ना तेरी वो सहेली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो अपने सास ससुर के साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, तुम ना उससे दूर ही रहा करो। हाँ देखिए माँ जी, वो क्या करती है वो उसका मतलब है, लेकिन मेरे संस्कार तो मेरे साथ है ना, बस मेरा समय अच्छा बीते इसलिए कुछ देर उसके साथ रह लेती हूँ। अरे लेकिन बहू, साथ का असर दिखने में वक्त नहीं लगता। होता भी ऐसा ही है, जिस बात का सासू माँ को डर था। माँ जी, आप तो मेरे बच्चे को बिल्कुल भी ठीक से नहीं देखती। अरे देखिए तो कैसा दुबला हो रहा है। अरे उसका बाप भी बचपन में दुबला ही था, बाद में जाकर सेहत बनी है। और मैं ध्यान नहीं दे रही तो तू कौन सा प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रही है, तू ध्यान दे दे। अब बहू को आ जाता है गुस्सा। पता है वो मेरी सहेली है ना रिमझिम, उसकी सास भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी। भगा दिया, गांव में बैठी है आज वो बुढ़िया। हाँ बेटा, पक्का काम किया है मैंने, बहुत जानती हूँ मैं तेरे जैसी जबान चलाने वाली बहुओं को। जिस घर में तू बैठी है ना, वो मेरा घर है, मेरे पति ने मेरे नाम से खरीदा था। और तेरे पति की जो तनख्वाह है ना, उसमें तो तू कहीं एक कमरे के मकान में रह ले तो गनीमत है। बहू को समझ में आ जाता है कि सामने वाला खिलाड़ी भी कच्चा नहीं है। लेकिन सहेली, अरे तो क्या हो गया, उनका मकान है तो बोल बंटवारा चाहिए भाई। माँ बाप के प्रॉपर्टी में बेटे का बराबर का हिस्सा होता है। बुढ़िया को खुद खाना बनाना पड़ेगा, तब अकल ठिकाने आ जाएगी। पता नहीं तू कैसी नौकरानी बनकर रह लेती है, मुझे तो बड़ा दुख होता है तेरे लिए। तभी रिमझिम का पति मुकेश हाथ में कलछी लेकर आ जाता है। रिमझिम, खाना बना दिया है, पैक भी कर लिया है अपने लिए, अब मैं ऑफिस जाऊं। जाओ, और सुनो शाम के लिए ना सब्जी ले आना, ये लो 10 रुपए तुम्हारा आज का खर्चा। रिमझिम कुछ पैसे और दे दो ना, वो क्या है ना कभी कभी चाय के साथ कुछ खाने का भी मन कर जाता है। अरे वाह क्या बात है, तो खाना लेकर जाना बंद कर दो, इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास कि तुमको चाय के साथ मठरी और बिस्किट भी खिलाऊं। जाओ यहाँ से। मुकेश उसका पति मुंह नीचे लटका कर वहां से चला जाता है। वाह रिमझिम क्या बात है, तेरा पति तो पूरा तेरे कब्जे में है। और क्या, जरा सा ढील दे दो तो देखो, अरे कैसे माँ के साथ सर पर चढ़ जाता था, अब तो मैंने सबको लाइन पर रखा है। रिया घर आती है और अपने पति सतीश से कहती है, देखो कितना फालतू का खर्चा करते हो तुम, ये देखो ये फिजियोथेरेपी वाले रोज का पैसा ले जाते हैं एक्सरसाइज के नाम पर। अरे वही एक्सरसाइज रोज करवाते हैं, अपने मम्मी पापा को बोलो कि खुद कर लिया करे, हमारे बस के नहीं है ये सब खर्चे। अरे कैसे बात कर रही हो, पापा के पैर का ऑपरेशन हुआ है, फिजियोथेरेपी लेने के लिए खुद डॉक्टर ने कहा है। नहीं रिया। ठीक है फिर देख लो, कमाते तो हो नहीं तुम इतना कि खर्चा निकाल सको, कल को बच्चे के लिए कुछ बचाना है कि नहीं। फिर भी अगर तुम थेरेपी वाले को रोकने वाले नहीं हो तो मैं जा रही हूँ मायके। पति क्या करता, बीवी को मनाने के लिए माता पिता की थेरेपी रोक देता है। बेटा कई दिनों से फिर घुटने में दर्द हो रहा है, प्लीज डॉक्टर को दिखा दो। जी पिताजी, मैं कमरे से कार की चाबी लेकर आ रहा हूँ। बेटा जैसे ही कमरे में जाता है, पता है कितनी फीस है डॉक्टर की, पूरे 500 रुपए, ऊपर से दवाई लिखेंगे 100 अलग। इन लोगों को बोल दो अभी पैसे नहीं है हमारे पास। बेटा बाहर आकर कहता है, पिताजी अभी ना मेरे ऑफिस से फोन आ गया है तो कल चलते हैं। बेटा पापा को दिखा दे, कहीं घुटना काम करना ही बंद ना कर दे। लेकिन बेटा तो बीवी के कहने पर रहता है और घर से बाहर चला जाता है। देखिए माँ जी, आज काम वाली नहीं आएगी। हाँ तो क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ कि काम हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, जो पैसे बचे उससे पिताजी का इलाज करवा देंगे, अब कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा ना माँ जी। सास भी पति के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, वो मान जाती है। लेकिन अगले ही दिन से, माँ जी मैं ना सब्जी काट रही हूँ, आप झाड़ू लगा लें और फिर पोछा। अब
बेटा मैं सब्जी काट देती हूँ, वो झुककर झाड़ू तो मुझसे नहीं लग पाएगी। बहू जो बैठकर टीवी देख रही थी और हाथ में दो आलू लेकर बैठी थी। नहीं माँ जी, मेरा फेवरेट शो आ रहा है, मैं सब्जी काटूंगी, आप झाड़ू के बाद पोछा लगा लेना। सास को उम्मीद होती है कि घर के काम से पैसे बचेंगे और उनसे पिता का इलाज कराएंगे। लेकिन पूरे एक महीने बाद, बेटा सतीश पापा को डॉक्टर को दिखा देना। माँ वो इस बार त्योहार है तो पैसों की कमी है, अगले महीने पक्का। सास को गुस्सा आ जाता है, वो समझ जाती है कि सब पढ़ाया बहू का ही है। फिर एक रोज, अरे ये क्या कर रही हो, ये बेटे और बहू का सामान क्यों निकाल रही हो, वो लोग आएंगे तो गुस्सा करेंगे। लेकिन सास एक बार भी नहीं सुनती और बेटे बहू का सारा सामान निकाल कर बाहर रख देती है। थोड़ी देर में हाथ में शॉपिंग बैग लेकर बेटा बहू घर आते हैं। अरे ये क्या, किसकी हिम्मत हो गई मेरे सामान को कमरे से बाहर करने की? मेरी मेरी हिम्मत हुई है। और हाँ, ये कागज है घर के, मैं तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करती हूँ, निकल जाओ, क्योंकि कल यहाँ दो पीजी लड़कियां रहने आ रही है, उनके पैसों से मैं अपना और अपने पति की दवाई, इलाज, खाना पीना सब कुछ कर सकती हूँ। अरे कैसी कलयुगी माँ हो तुम, कोई अपने बेटे को यूं ही घर से बेदखल नहीं करता। मैं ना कहती थी, तुम्हारी माँ के दिल में खोट है, खोट। खोट किसके दिल में है ये तो बहू ऊपर वाला देख रहा होगा। कल तक तुम लोगों के पास अदालती कार्रवाई के पेपर भी आ जाएंगे, अब दफा हो जाओ यहाँ से। मियाँ बीवी के जाने के बाद माँ रोने लगती है। देखो तुमने जो किया वो ठीक किया है, ये समाज की सोच है कि माता पिता बुढ़ापे में कितनी भी मुश्किलों का सामना करे, लेकिन बच्चों को कुछ भी बोलो तो कलयुगी हो जाए। उधर सतीश रिया से कहता है, यार कहाँ चले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखा, तुम्हारी माँ ने एक बार भी नहीं सोचा कि बेटा बहू कहाँ जाएंगे। मैं चली अपने मायके, तुम अपना देख लो। अरे जिसके माँ बाप ने ही निकाल दिया हो उसके साथ मैं क्या करूंगी रहकर। रिया सतीश को छोड़कर चली जाती है। रास्ते में बैठा सतीश सोच ही रहा होता है कि वो कहाँ जाए, कि सामने एक माँ को देखता है जो अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है। माँ तूने भी तो कुछ नहीं खाया, तू भी खा ले। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा तो पेट ना भरा हुआ है, तू खा। हाँ और कुछ खाएगा, ले आऊं मैं? नहीं माँ, मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तू मुझे खुश करने के लिए ये बोल रही है। सतीश को अपनी माँ की याद आती है, वो भाग कर घर जाता है। माँ माँ मुझे माफ कर दे, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मैं अब इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे बस एक बार माफ कर दे माँ। माँ सतीश को गले लगा लेती है, वो जानती है कि बेटा ठीक रहा तो बहू की मजाल नहीं होगी कि किसी को दुख दे।